तो ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है अकाशा एयरवेज के लिए। मैं जिस चीज का इंतजार था यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज से रिलेटेड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज राजीव रंजन एंड यू आर वाचिंग द एविएशन माइंड। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड न्यूज के बारे में जो कि निकल के आ रहा है अकाशा एयरवेज से एंड ऑब्वियसली जेट एयरवेज से। तो आज का ये गुड न्यूज अकाशा एयरवेज के ऑपरेशन से रिलेटेड है कि अकाशा एयरवेज का जो ऑपरेशन है वो कहाँ तक पहुंचा है और बोइंग ने जहाज डिलीवर किया या नहीं किया, अकाशा एयरवेज का जहाज इंडिया में आया नहीं आया, जेट एयरवेज में वैकेंसी से रिलेटेड है कि इंजीनियरिंग में कौन कौन सा डिपार्टमेंट वैकेंसीज निकला हुआ है। सो खास करके आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जो लोग भी अकाशा एयरवेज और जेट एयरवेज दोनों के बारे में वीडियो देखना चाहते हो। सो या कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस, अकाशा एयरवेज रिलेटेड जो मैं पहले न्यूज दिया था उसमें बताया था कि जो अकाशा एयरवेज है उसका ऑफिशियल एयरलाइन कोड अकाशा एयरवेज को मिल चुका है और भी कुछ था, अकाशा एयरवेज का फर्स्ट लुक कैसा है उसके बारे में उसमें बात किया। अगर आपने नहीं देखा जाकर देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। बिकॉज गाइज, अगर सोर्सेज की माने तो जो अकाशा एयरवेज का जो एयरक्राफ्ट है वो बोइंग ने डिलीवर कर दिया है, बोइंग सेंटर से डिलीवर हो चुका है जो कि सिएटल बोइंग सेंटर में इसका काम चल रहा था अकाशा एयरवेज के ऊपर। तो फाइनली अकाशा एयरवेज ने भी ट्वीट करते हुए इस चीज की इन्फॉर्मेशन दी। और क्या कुछ कहा अकाशा एयरवेज ने ट्वीट करके ये देख लेते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे ट्वीट का स्क्रीनशॉट लिया हूँ तो आपको मैं पढ़ के एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो अकाशा एयरवेज कहना है, द एयरक्राफ्ट डिलीवरी इज इंडीड अ सिंबॉलिक माइलस्टोन इन द जर्नी ऑफ अकाशा एयर। जी हाँ गाइस, तो गाइस 100% ट्रू है। और अकाशा एयरवेज क्यों, कोई भी एयरलाइन का जब जहाज डिलीवर होता है, जैसे होता है ना कि कुछ आप ऑर्डर करो ऑनलाइन और वो तुरंत मिल जाए तो कितना खुशी होता है, वही अगर डिले हो तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो यही हुआ, मतलब ऑर्डर काफी टाइम पे अकाशा एयरवेज को रिसीव हो गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है अकाशा एयरवेज के लिए, ब्रिंगिंग अस द स्टेप क्लोजर टू प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अवर एयर ऑपरेटर परमिट्स। जी हाँ गाइज, अब जैसे ही अकाशा एयरवेज का जो एयरक्राफ्ट है वो इंडिया आ गया है तो उसके बाद एओपी यानी कि एयर ऑपरेटर परमिट लेने का काम शुरू होगा, जो जेट एयरवेज के ऊपर मैं आपको हर एक वीडियो में एओपी के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ कि आखिर एओपी क्या होता है। एओपी एक एयर ऑपरेटर परमिट होता है जो इंडिया में या कोई भी स्टेट में ऑपरेशन करने के लिए चाहिए एयर ऑपरेटर परमिट, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री यानी कि इंडिया में है तो आफ्टर फाइनल चेक, बहुत सारा चेक करने के बाद डीजीसीए उसको एओपी। तो गाइस, ये जो स्टेटमेंट है ये विनय दुबे ने कहा है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ अकाशा एयरवेज। और गाइस, जो दूसरा ट्वीट है अकाशा एयरवेज की तरफ से वो बोइंग को क्रेडिट देते हुए अकाशा एयरवेज ने कहा है कि कमिंग होम टू योर स्काई, यानी कि अकाशा एयरवेज इंडिया आ रही है, हैशटैग टेक ऑफ फ्रॉम सिएटल। जी हां, सिएटल से सिएटल बोइंग सेंटर में इसका सारा कुछ काम चल रहा था तो वहीं से डिलीवर हुआ और इट्स योर स्काई जो कि अकाशा एयरवेज का स्लोगन है। तो गाइस, जैसे ही मुझे ये न्यूज पता चला वैसे ही मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दिया, बिकॉज इंस्टाग्राम में मैं यूट्यूब से पहले अपडेट करता हूँ। तो अगर आपको यूट्यूब से पहले अपडेट चाहिए, चाहे जॉब वैकेंसी से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, एविएशन कोई भी कंटेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ प्यारा होगा। और गाइस, जो बोइंग ने इमेज शेयर किया है अकाशा एयरवेज का वो काफी प्यारा है और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको वो इमेज भी दिखा दूंगा ताकि आप भी देखो सच में कितना प्यारा इसका कलर है और कितना प्यारा एयरक्राफ्ट है बोइंग 737 मैक्स। और गाइस, बात कर लेते हैं हम सबके फेवरेट जेट एयरवेज के बारे में। जी हाँ गाइस, जेट एयरवेज में जिस चीज का इंतजार था यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज से रिलेटेड, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज तो आ रहे थे, आपने बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई आखिर जेट एयरवेज का ऑपरेशन अभी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो देखो, धीरे धीरे जब हायर मैनेजमेंट से हो गया तो धीरे धीरे लोअर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग पायलट डिपार्टमेंट की तरफ ये लोग वैकेंसी आउट करना शुरू किए हैं। तो फाइनली जेट एयरवेज ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे वैकेंसीज आउट किए हैं। सो गाइस, यही था हमारा आज का अकाशा एयरवेज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जेट एयरवेज से रिलेटेड तो खैर ये वैकेंसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। और गाइस, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं पहले अपलोड करता हूँ जो भी कोई नया वैकेंसीज या नया अपडेट आता है। तो मेरे इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो यहाँ पर, इंस्टाग्राम का लिंक है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड कोई भी क्वेश्चन कभी करो जो आप पूछ सकते हो। सो तो मिलते हैं किसी ने और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डेवलप, प्लीज डोंट ट्रबल एनीबडी, बट आई विल सी यू। जय हिंद।